बताइए ये लड़की है जिससे मुलाकात हुई जी, यही है। ये कैसी लड़की है ये, आप इसके बाद इन लड़की के बारे में जानना चाहेंगे? लड़की के बारे में, कैरेक्टर के बारे में? लड़की कैरेक्टर बहुत एक ही चीज है जी। नहीं नहीं, एक चीज कैसे हो सकती है, कैरेक्टर डिफरेंट। देखिए वरीना अपनी रियल लाइफ में मिशेल से बिल्कुल उल्टी है। उल्टा पसंद मतलब मिशेल बहुत स्वीट है, बहुत ही पढ़ी लिखी है, अंडरस्टैंडिंग है, और हाँ ब्यूटीफुल है, और काफ़ी मतलब अच्छी डांसर हैं। तो वो सब चीज़ें मिशेल के अंदर है, वरीना उसकी एक्टिंग करती है। तो आप बताइए कि आपके थोड़े से कैरेक्टर के बारे में, जो लड़का आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है आपके चक्कर में, वो मार भी खाता है, सारी चोट भी आती है, क्या स्माइल है चेहरे पे? हाँ, जो मेरे कैरेक्टर है एक NRI गुजराती लड़की है जो कि बड़ौदा आती है। फेस्टिवल का टाइम होता है तो फैमिली के साथ वो अपने फैमिली से और फेस्टिवल से, रूट से बहुत प्यार करती है। तो गरबा के दौरान सुश्रुत से मिलती है और जी सुसु, और इनके बीच प्यार हो जाता है और उनकी ही प्रेम कहानी है आगे जी। है लवरात्रि का ट्रेलर और जिसका गाना एक बड़ा धमाका हुआ है। पिक्चर को लेके काफ़ी अच्छा खासा धमाका हो रहा है, ट्रेलर और गाना लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। इससे पहले हम आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन जब भी कोई पिक्चर रिलीज होती है या आप लोग की पहली डेब्यू पिक्चर है, उसके पहले इतनी अच्छी पॉजिटिविटी हो रही है कि गाना पसंद आ रहा है एंड लोगों को ट्रेलर बहुत ही पसंद आ रहा है, तो क्या फीलिंग होती है एज एन एक्टर, एज एन डेब्यू डायरेक्टर? तो कहाँ से स्टार्ट करें? तो पहली फिल्म तो बहुत स्पेशल होती है, खासकर कि जब आप डेब्यू कर रहे हो और आपके साथ जो आपके सबसे दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं फिल्म के, आपके लीड एक्टर और लीड एक्ट्रेस, वो भी डेब्यू कर रहे हो, तो जब तीन अंधे एक साथ चल रहे होते हैं और रास्ता पार कर ही लेते हैं ये अच्छा था। आज ही तीन ब्यूटीफुल एंड हैंडसम लोग हैं, पर हां क्या आपकी मर्जी, बट बस हमने यू नो एक ऑब्वियसली बहुत स्पेशल फीलिंग है फर्स्ट फिल्म की, और खास करके ये ऐसी फिल्म है जो कि सॉरी आई एम सो सॉरी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बोल रहे मुहावरा था, मुहावरे था, मुहावरा, हाँ मुहावरा, हाँ सॉरी, हाँ आपको लगा? नहीं नहीं सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। मैं माफी चाहता हूँ, हमारी एक्ट्रेस जो है अफगानिस्तान से, उनकी हिंदी अभी सीख रहे हम, सिखा भी हो गया, वो दुबई हो गया, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है जो अभी रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासकर कि जो प्यार एक न्यू कमर फिल्म को मिलता है, यू नो वी वेरी हैप्पी विद दैट रिस्पॉन्स एंड फीलिंग बहुत स्पेशल है, एंड आई थिंक हमारे एक्टर साहब टेक ओवर करेंगे। लेकिन एक चीज आपसे पूछेंगे, एक चीज बहुत अच्छी लग रही है, एक्टर और डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन जो अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत अच्छी लग रही है। जी, मेरे और अभिराशी से बहुत अच्छी ट्यूनिंग है। हाँ, हमेशा हम एक्टर में उतना नहीं देखते, अरे सर है ये, लेकिन यहाँ सर आई थिंक यहाँ पे सब फ्रेंड है। हाँ जी, तो इनसे बात कर ले पहले। सर आपको जो समझ में आया इनसे पहले पूछेंगे, मैंने सुना नहीं। हाँ, इन्होंने बोला कि इनकी और अभिराज सर की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। मतलब मुझे आउट कर दिया, जोक का है, सच्चाई है, इसे जोक नहीं। अगर हम दोनों इंडिया के लिए बैटिंग भी ओपन कर ले तो भी हम यू नो रन बना के आ जाएंगे। हाँ जी, तो आप बताइए कि फिल्म रिलीज होने के पहले इतनी सारी कुछ चीज़ें पॉजिटिविटी हो रही है, कैसे देखते हैं? वो भी डेब्यू है आपका, तो सर डेब्यू है, खुशकिस्मत हो कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला है, एंड टचवुड हमारे गाने काफ़ी अच्छे, गानों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा हुआ था, ट्रेलर का रिस्पांस अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं, हम प्रमोशंस के लिए सिटी टूर्स कर रहे थे, तो सब जगह लोगों ने काफ़ी प्यार दिया है, तो अभी फ़िलहाल ये फीलिंग है कि सब कुछ तो अच्छा है, बट वो एग्ज़ाम वाली फीलिंग अभी भी है, वो नर्वसनेस अंदर के 5th अक्टूबर अभी 100% मार्क आने वाले हैं, थैंक यू। तो वो बहुत पास है, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या क्या फील क्या करूँ, खुश हूँ कि नर्वस हूँ, तो वेट करें 5th अक्टूबर। ऐसा पहली बार होता है जी। जी, आप बताइए, सबसे पहले तो गणपति का कैसा था आपका कल का दिन? हमने देखा सब कुछ अच्छे से हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया सर, अच्छा है, गणपति बापा आए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स दी हमें और सब लोग हमारे घर पे आए, तो अच्छा लगा। मैं भी आई थी जी, वरीना भी आई थी,
तो सबने वरीना डोसा भी खाया जी, मैंने मोदक भी खाए, डोसा भी खाया। अच्छा, अभी आप कंटिन्यू नहीं, आप कंटिन्यू। अच्छा लगा आपको मोदक? मोदक जी मावा से बना हुआ था, बहुत मैंने 5-6 खा लिए। 5-6 एक्चुअली गोलगप्पे के स्टॉल पे खड़ी हुई थी जब मैं इसको मेरा गोलगप्पे खा रही थी। और उसे मावा बना जी, दिया। जी जी नहीं नहीं उसे मावा नहीं बनाया, मैंने गोलगप्पे खाए हैं जो कि पानी पूरी कहते हैं। पानी पूरी, डोसा, मोदक, ये भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुकरी शो में हूँ। ओके ओके ठीक है जी। तो आप बताइए, बहुत कुछ खिलाएंगे और भी हम खिलाएंगे हम जी आपको। आप बताइए कि इतनी सारी चीज़ें हो रही, कैसे देखते हैं आप? हाँ लेफ्ट राइट कर मोड मोड के देखते हैं। हाँ जी एक्साइटेड हूँ, एक फिल्म आ रही है, कुछ दिन रह गए हैं फिल्म के बाहर आने के लिए, तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, सब लोग गाने पसंद कर रहे हैं। पहले लोग बोलते थे कौन है ये लड़का, अभी कह रहे हैं छोगाड़ा बॉय हो गया हूँ मैं। तो पॉपुलर ये यू नो गाना हो गया हमारे, रंगदारी को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तेरा हुआ, सब गाने एक से बढ़कर एक हैं, तो अच्छा प्यार मिल रहा है। एक्साइटेड हूँ, पॉजिटिव है काफ़ी इन्वायरमेंट, यू नो सब यूनिट्स वर्क किए हैं, ट्रेलर लोगों को पसंद आया है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि 5 अक्टूबर एक से हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे जी। आई विश कि हम 5 अक्टूबर के बाद सक्सेस पार्टी भी करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप लोग के कैरेक्टर के बारे में। आई नो कि आप एक गुरु बने हुए हैं जो डांस सिखाते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कैरेक्टर होगा आपका? जी मैं एक्चुअली एक अभी यंग लड़का हूँ जो कॉलेज से अभी भी ग्रेजुएट हुआ है, वो अभी छोटे बच्चों को गरबा सिखाता है। उसकी इंस्टीट्यूशन खोलने का ड्रीम है कि मैं गरबा इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता हूँ, उसको छोड़ के उसको ज़्यादा कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई इच्छा नहीं है। तो उसका एक छोटा सी चीज़ है, जैसे कि पिताजी से कहते हैं कि आप काम पे ध्यान दो, कुछ करो, वो बस यही कहता था पिताजी को कि एक तितली जितना भी उड़ रहे वो कभी बाजी बन सकती। करेक्ट। तो वैसे ही क्या जोक था? जोक था ओके जी। तो इसकी वजह से वैसा उसका एटीट्यूड है, वैसा उसका कैरेक्टर है, और कैसे उसको एक लड़की मिलती है जिसको प्यार होता है, और वो कितने अलग हैं एक दूसरे से, और कैसे वो उस लड़की के चक्कर में सीरियस होता है लाइफ के बारे में, दुनिया एक्सप्लोर करता है, लड़के तक पहुंच जाता है, और थोड़ी बहुत मार भी खाता है जो जी। हमने ट्रेलर देखा। तो बताइए ये लड़की है जिससे मुलाकात हुई जी, तो यही है, ये कैसी लड़की है ये, आप इसके बारे में इन लड़की के बारे में जानना चाहेंगे? लड़की के बारे में, कैरेक्टर के बारे में? लड़की कैरेक्टर बहुत एक ही चीज है जी। नहीं नहीं एक चीज कैसे हो सकती है, कैरेक्टर देखिए वरीना अपनी रियल लाइफ में मिशेल से बिल्कुल उल्टी है। उल्टा पसंद मतलब मिशेल बहुत स्वीट है, बहुत ही पढ़ी लिखी है, अंडरस्टैंडिंग है, और ब्यूटीफुल है। हाँ ब्यूटीफुल है और काफ़ी मतलब अच्छी डांसर हैं। हाँ। तो वो सब चीज़ें मिशेल के अंदर है, वरीना उसकी एक्टिंग करती है। तो आप बताइए कि आपके थोड़े से कैरेक्टर के बारे में, जो लड़का आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है आपके चक्कर में, वो मार भी खाता है, सारी चोट भी आती है, क्या स्माइल है चेहरे? हाँ जो मेरा कैरेक्टर है एक NRI गुजराती लड़की है जो कि बड़ौदा आती है। फेस्टिवल का टाइम होता है तो फैमिली के साथ वो अपने फैमिली से और फेस्टिवल से, रूट से बहुत प्यार करती है। तो गरबा के दौरान सुश्रुत से मिलती है और जी सुसु, और इनके बीच प्यार हो जाता है और उनकी ही प्रेम कहानी है आगे जी। आप बताइए जी, टिप्स लेते हैं आप उनसे कुछ एक्टिंग की या जी भी क्या जी टिप्स? कुछ भी अगर कोई मुसीबत लगती है, कुछ लगता है क्लैरिटी नहीं है किसी चीज़ में, तो हम उनको हमेशा फ़ोन करते थे और वो हमेशा अवेलेबल थे हमारे लिए। तो उन्होंने काफ़ी सारी टिप्स दी, काफ़ी सारी एडवाइसेस दी, बहुत सारी दी, 4 साल से सीख रहा हूँ उनके साथ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बट उन्होंने इस फिल्म के लिए पर्टिकुलरली कहा था, ये फिल्म एक स्वीट फिल्म है, लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आनी चाहिए, उसके लिए तुम्हें ऑफ कैमरा मुस्कुराते रहना चाहिए ताकि तुम ऑन कैमरा उसको लोगों को हंसा सको और उनको प्यार में डाल सको। तो वही चीज़ हमने फॉलो की, जैसे डायरेक्टर साहब ने कहा, हमारे सेट का एनवायरनमेंट काफ़ी यंग था, काफ़ी एक्टिव थे हम लोग, काफ़ी हंसी मजाक चलता था, उसी के बीच में शूटिंग कब हो गई, कब ये फिल्म अभी रिलीज पे खड़ी होगी पता नहीं चला जी। ऐसा ही होता है सलमान खान की फैमिली में भी, ऐसा ही होता है जैसे कि कल गणपति हमने देखा, कब आए, कब कुछ विसर्जन होगी। एक चीज़ जो आपके बेटे हैं, जब आपका गाना बजता है टीवी पे, जब मुझे पता नहीं अभी उनको कितनी समझ है, लेकिन जब वो आपको टीवी पर देखते हैं तो क्या फीलिंग होती है उनकी, या कुछ कहते हैं कि पापा टीवी ऐसा कुछ आप बताइए? वो जब भी मुझे टीवी पे देखते हैं वो पहचान गए हैं कि मैं एक एक्टर बन रहा हूँ, तो टीवी पे देखते हैं तो कहते हैं पापा, अभी उनको छोगाड़ा समझ में आ गया तो कहते हैं कि पापा प्ले अ सॉन्ग। हाँ जी, तो उनको हर जब भी गाड़ी में बैठते हैं उनको मेरा गाना सुनना है बार बार, थोड़ा थोड़ा गाने की कोशिश कर रहा है अभी,
बड़ा अच्छा है, उसको एक्साइटेड रहता है. अभी उसको समझ में आ रहा है कि पापा कुछ तो करते हैं, क्या टीवी से, जी टीवी से रिलेटेड कुछ करते हैं. जी चलिए, क्योंकि ये अफगानिस्तान की 5th October को आ रहे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान के लैंग्वेज में इसे 5th October को नवरात्रि आ रही, तो इसे कैसे कहेंगे आप, या हम सभी को जरा सिखाइए. क्या हुआ, क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला. This is fab. ये मैंने इसको नहीं सिखाया जो इसने भी बोला है. ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा. हाँ तो मेरी भी दरी जो है उतनी अच्छी नहीं है, बट मैं बोलूँगी. हमें हमारी हिंदी भी अच्छी नहीं होती, टूटी बात करते हैं. हाँ, टूटी फूटी ही बात करेंगे. जी लवरात्रि फिल्म मौकास थोड़ी खा 5 October रिलीज में शे, एंड अगर कसाई के अफगानिस्तान हस्तान निबिनान, एंड प्लीज सपोर्ट. वाओ ग्रेट. हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच कि आपने हमारे गानों को इतना प्यार दिया, हमारी ट्रेलर को इतना प्यार दिया. आज हम जहाँ भी हैं आप लोगों की वजह से हैं, प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए. और 5 October को फिल्म रिलीज़ हो रही है, बहुत अच्छी फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है. जैसे आप सलमान भाई आपको एंटरटेन करते आ रहे हैं, वैसे हम भी एंटरटेन कर रहे हैं. इतने सालों से आपने उनको प्यार दिया, थोड़ा प्यार हमें भी दे दो प्लीज़. हम तीनों के करियर का सवाल है, और हम लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया है. आपको स्क्रीन पे जाएंगे तो पक्का आपको मज़ा आएगा. ये मेरी क्वालिटी से जितना दूर रहें उतना बेटर है, क्योंकि इनकी शादी मेरी बहन से हो चुकी है. सलमान, 80 के दशक में जब आप स्ट्रगल कर रहे थे फिल्मों में आने के लिए, उस दौरान की कुछ ऐसी घटना, कुछ यादगार मोमेंट आप बता सकते हैं, या ऐसी कोई बात जो आयुष को अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि अब वो फिल्मों में आ चुके हैं, ऐसी कोई बात आप बता सकते हैं कि स्ट्रगल के दौरान या जब आप नए होते हैं तो आप वो चीज़ ना करें जो आपने की थी? सर वो चीज़ तो वैसे भी नहीं कर पाएंगे, शादीशुदा इनके बच्चा भी हो गया, इनको अलाउड भी नहीं है सर. अगर करेंगे भी तो सर गैर कानूनी होगा, तो वहाँ से एक चीज़ तो यहाँ से निकल गई. दूसरी चीज़ है कि शूटिंग पे लेट ना जाएं. तीसरी चीज़ है कि रात को देर तक ना जगे अनलेस यू वर्किंग. सलमान जी की कोई ऐसी क्वालिटी जो आपको बहुत ही अच्छी लगती है? कुछ नहीं, ये मेरी क्वालिटी से जितना दूर रहें उतना बेटर है, क्योंकि इनकी शादी मेरी बहन से हो चुकी है. ये मेरी क्वालिटी से जितना दूर रहें उतना बेटर है, क्योंकि इनकी शादी मेरी बहन से हो चुकी है. यू नो द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट दिस इज, ये बोलते थे ना पहले कि बीवी छुपा के रखो, बच्चों छुपा के रखो. हाँ, यहाँ पे कोई छुपा नहीं रहा है कुछ, बीवी भी यहाँ पर है और बच्चा भी यहाँ पर है. So it is. This is just the best thing about. के हीरो बनने के लिए you need that fan following of the girls and वगैरह 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 वगैरह. So they were also saying के what do we do about Arpita and IL. I said, I mean, is there all out in the open? क्या करोगे इसका? कुछ नहीं कर सकते हो. Bring out in the open. किसने बोला था शादी करने के लिए? Bring out in the open. किसने बोला था शादी करने के लिए? That's a fact. And Bob से पहले IL launch हो चुके हैं Insta पे. Stop it! And those, my friends, are the final word. I'll stop it. Thank you all, really appreciate it. Thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here, and I hope all of you will
all join me in wishing the new, the debutants, the director, Ayush and Warina, all the very best for their very first film. And enjoy the trailer. We are going to play it for you a couple of times. And thank you again for being here. Ayush, Warina, Abhiraj, congratulations. It looks smashing. Ma'am, here. सर यहाँ पे Thank you.
सर यहाँ पे दादा ले रहे हो दो है ना सर रुपये आवाज आ रहा तीनों का करिए तीनों का कैसे हो गया है तीनों का मार ले तू तिगांचा सर सेंटर में एकदम सर क्या मैम सर यहाँ पे सर मैं मारो भी एकदम सेंटर में दोनों का सर इकड़े सर सेंटर में एकदम सर आपके सामने आयुष सर यहाँ पे आयुष सर यहाँ पे आयुष एकदम सेंटर में मैम सर बस ला मैम सेंटर में एकदम एकदम वरीना जी यहाँ पे वरीना मैम एकदम सेंटर वरीना जी यहाँ पे मैम एकदम सेंटर में मैम यहाँ पे मैम यो पूरी मैम वरीना मैम एक बार थैंक यू सर दोनों आपने दो बजे खा ले One last word for Warina. Warina, don't worry, na. We are all here for you now.
let's watch the trailer once again, please. Always want to become an actor, like, or it just happened coincidentally, you know, like if you were not you know, related to Salman Khan, how do you think, how long would you would have taken perhaps to get this kind of a debut? What do you think? Sir, honestly, I never wanted to become an actor. Like, I never thought I would become an actor, because see, it is a very difficult process to reach a level or get a platform like Lavratri. That is the first part. And my planning was not to become an actor. I never had any filmy contacts or didn't know anybody in the films. And I didn't even know what is the right path, you know. And today that I am doing my first film, there are a lot of actors out there in Dehri who are very talented and been struggling for a very long time. But they are misguided by certain people, or there's certain way they're conducting their careers that might not land them this, a film like Lavratri. But having said that, if you ask me, if there was no you know, Salman bhai to give me a platform like this, how long would it take? I think very long. There are very talented actors out there. They're very good-looking actors who are great dancers, have a very good dialect, but they don't get an opportunity. Or even if they do, they don't really get the right platform where the talent can be showcased. So I would say I'm only lucky. I don't say I'm very talented, but I'm a student of acting. But I think I'm very lucky to get a platform like Lavratri and showcase my talent to people. You know, I have a boyfriend in Warina. Boyfriend? Yeah. Guy friend? Yeah, so you call it boyfriend only. Okay, boyfriend. Mam, yahan pe. Arpita, Ayyusha. Ayyusha. Ma'am. Ma'am, here please. Arpita, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.